हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग खेतों में बनाएंगे मछली और खुशी की बात यह है कि पास के तालाब से ही मछली मार कर लाए हैं। ये देख रहे हैं, ये लोग साफ कर रहे हैं। एक करके अच्छे से साफ करेंगे सभी मछली को। ये बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। ये आसपास का इलाका है, बहुत बड़ा एक पेड़ है महुआ का। ये लोग लकड़ियां इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये लकड़ी चुन रहा है, देख रहे हैं, बिल्कुल सुहाना और हरा भरा व्यू है आसपास का। बाकी सब मेंबर्स लोग आ रहे हैं तेल मसाला लेकर। ये अपना जुगाड़ लगाकर चूल्हा बनाया है। ये हमारा मेन कारीगर है जो आग सुलगाने का काम करता है, देख रहे हैं इसको। सरसों तेल, दिलामन पर जो खेतों में बनता है, कोई भी रेसिपी हो, मछली हो, मुर्गा हो, कुछ भी हो, अलग ही आनंद आता है खाने में। बिल्कुल खुला खुला सा जगह, किसी तरह कोई डिस्टर्बिंग नहीं होता है। मछली फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर से फ्राई हुआ है। बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप का लग रहा है देखने में। इसी तरह बचे हुए मछली को भी फ्राई कर लेंगे। ये लोग दोबारा से देखने के लिए गए थे कि आसपास में और कहीं मछली का तालाब है क्या। ये लोग उधर बैठकर खा रहे हैं भुंजा हुआ मछली, और इधर ये फ्राई कर रहे हैं। लाल और हरा मिर्च का फोरन दे रहे हैं। पिसा हुआ अदरक लहसुन और सरसों है इसमें, ये घर से पीस कर लाए थे। मसाला को बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे।
मसाला जितना अच्छा भुनाता है उतना ही टेस्ट उसमें बढ़ जाता है। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे ताकि नीचे से जले नहीं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया है। ये गरम मसाला है। मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। ग्रेवी में एक उबाल आने तक हम लोग वेट करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है और सारा फ्राई किया हुआ मछली इसमें डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसी तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए इसे उबलने देंगे। बीस मिनट के आसपास हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यह देखने में लग रहा है, उतना ही स्वादिष्ट खाने में लगेगा। देख रहे हैं मछली बन चुका है। लोग आराम फरमा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं किए हैं। अरे जो हमारे करीगर हैं लाने में सहयोग किए थे वो निकालना शुरू कर दिए हैं। ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।